पॉलिटिक्स इन इंडिया पार्ट वन। पहले हमने पार्ट टू पे रिएक्शन किया था और आज जो है हम पार्ट वन पे रिएक्शन करेंगे। तो वीडियो है 11 मिनट 54 सेकंड, समझे 12 मिनट की है। तो रिएक्शन को डायरेक्ट करते हैं स्टार्ट। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। लेकिन मेरे शब्दों से तेरे ब्लड तक, तू कमल का फूल, तू खिलता जरूर पर कीचड़ में दबा तू जड़ तक, कब तक करेगा तू कर्तव्य किसी। या सो आई टेल यू अबाउट माय सेल्फ फर्स्ट, माय नेम इज मुनव्वर इकबाल फारूकी, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, सर्वाइव्ड इन गुजरात। यू नो गुजरात, गुजरात इज फेमस फॉर इट्स फेस्टिवल्स। इसका फर्स्ट स्टैंड अप नवरात्रि, वी हैव उत्तरायण, वी हैव रायट्स। या बट आई लव गुजरात, आई वाज देयर इन 2002। आप लोगों को नाइट मेयर आता है मैम? आपको नाइट मेयर आता है? लाइक कैसा आता है, लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइट मेयर आते हैं, आप डर के उठ जाते हो? मेरा नाइट मेयर है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी है बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 ईयर्स ओल्ड, मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग चार शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी सौ सौ रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। आई वाज लाइक आई एम बेटर। नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। या बिकॉज मुझे नॉलेज कम है, मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नहीं नॉलेज, और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कॉमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादर चोत। यार ये बहुत होता है। पहले हाय क्यों बोला? ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का? क्या मस्त आदमी है, बट लंड है। हम लोग अपने दोस्तों को ऐसे तारुफ करवाते हैं। लिखा कि भाई क्या हो गया? इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले दो बार सोच लिया करो, अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। विमल के लिए लग रहा था। Yeah. Have you guys noticed in India, the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper? Yes. Yeah, that makes sense. Because that's what newspaper do in India, hiding reality. आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ है कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते हैं कि इसके साथ मत खेलना, ये बच्चे से दूर रहना? हुआ? मेरे साथ बहुत हुआ, because वो बच्चा मैं था। Like I was an asshole, but घर वालों को नहीं पता, घर वालों खुद को राष्ट्रीय प्रोडक्शन समझते थे। उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया। Like first है फारूकी नहीं, first है फैंटम प्रोडक्शन है। और इसका रीजन था घर वालों की नजर में सबका काम करना, सबकी बात मानना लाइक अ राम, और घर के बाहर किसी को भी मार देना कूट देना दादागिरी करना लाइक अ नहीं बजरंग दल। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुनाओ। मैं भीगे उठ तेरे गा के सुनाता था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी। And Imran Hashmi movies were porn movies for us. You guys agree? वो टाइम में कौन उसको क्राइम पेट्रोल नहीं था। ये क्राइम पेट्रोल का वो सुनने में आता है क्या, ज़्यादा बोल्ड है क्या? And आप लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते थे या? Like Instagram सब लोग यूज़ करते? और लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, लड़कियाँ काफ़ी क्रिएटिव है। हाँ लड़के फोटो डालते उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड। क्या तू हगने गया था डिलीवरी खाने क्या?
लड़कियां काफी क्रिएटिव है. मेरी कजिन है, मेरी कजिन घर पे उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का. उसके कैप्शन पता है कैसे रहते हैं? आई जस्ट लव द साउंड ऑफ पाउंडिंग वाटर वेदर इज अ वेव्स और अ वाटरफॉल. मेरी पुप्पी बोलती है ना आग लगे तुम्हारे फोन को, लगते यू जस्ट लीट माई सोल आई विल सेट इट ऑन फायर हैशटैग आउट ऑफ योर लीग. एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है आंटी, बोले नीच रख दे वो रिमोट है. कैसे अंदाज इनोसेंट एज फक. आप लोगों को पता है ये सब यूज करते हैं टायर्ड एज फक हंग्री एज फक. मुझे समझ में AF. लाइक ऐसी लगो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं, उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए. हमारे पास है. लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल, बट यू लुक क्यूट. ठीक है वो अग्री. हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट ओके, तू अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल. इफ यू आर हंग्री यू विल राइट भूखा चौदह. दैट्स रॉन्ग. विच इज माई फेवरेट यू नो सिंगल एज फक विच इज फकिंग नॉट पॉसिबल. मैं कामसूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज हूँ अकेला चौदह वाला पोजीशन कौन सा. गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र. ये सब होता है. और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे. मोटिवेशन कोट्स मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा, उस पर लिखा होता डोंट जस्ट ड्रीम वॉक फॉर इट. और पीछे एक अंग्रेज बंदा है सिगार हाथ में दो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है. बस लाइक तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, तू मुझे डिप्रेस कर रहा है. तूने दो लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी? सेम कलर की. मैं इंडियन हूँ, मेरे घर में टूथब्रश नहीं है सेम कलर के. एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी. ठीक है तो उसके दरवाजा ऐसे खुलते और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते. यार राइडर को अब ये वाला सुनाओ. मोटिवेट अ इंडियन विद अ लैम्बोर्गिनी. हमारे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का गुरु रंधावा ये इस्तेमाल करता है खिड़की से बाहर निकलता है. पता करो कीड़े पिंड दिया मोलेस्टर. और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम. सपने की बात मुझसे कर रहा है. मैं डोंगरी पे रहता हूँ, हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते हैं, एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते हैं, इतना पास सोते हम लोग. एक बार मैं अपने भाई के सपने में, इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है. वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था. आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था, इसलिए जाके डैडी के पास सो. मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना है. मुझे लगता है हम लोग इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते. साइन बोर्ड को लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है. लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी. यस सर. और लाल गाड़ी भी होती है उनके पास. आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ ओल्ड एज पीपल और पारसी लोग, ठीक है, बट बुड्ढे थोड़े तो अनोइंग होते हैं. या लाइक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है. तो वो बोर्ड लगा उसमें, शॉप बंद थी, ठीक है, तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है क्यों बंद है क्यों बंद है. तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे. अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे 10 दिन के लिए क्यों बंद है. नेक्स्ट डे आके बोल रहे भैया सुनो ना उस पे 9 करो ना. एक दिन निकल गए. एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो मीनिंग चेंज हो जाता है. मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर वुमेन सेफ्टी. आई वाज लाइक नाइस दिस इज गुड. बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आई वाज लाइक नहीं. अगर दिल्ली जाग रहा था वुमेन सेफ नहीं है. वुमेन सेफ नहीं है दिल्ली में. मैंने न्यूज में पढ़ा अ 32-year-old दिल्ली गाय किल्ड हिज वाइफ विद द हेल्प ऑफ हिज गर्लफ्रेंड. That's terrible, right? That's heartbreaking. कि दिल्ली वाले के पास दो दो बंदियाँ हैं. Heartbreaking for you guys. मेरे में 4 allowed है. And मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर परेल में, उस पर लिखा हुआ है अवॉइड मिस यूजिंग ऑफ वाटर. मिस यूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना. मिस यूज कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट. 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से. उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी. गवर्नमेंट इज लाइक
तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया, वाटर कैनन लेके उनके मुंह पे पानी मारा, सरप्राइज मदरफकर। किसानों को पता नहीं इससे भागना था, दैलक पानी। कुछ किसान पीछे नाच रहे घन। एंड फिर उन लोग बोले सर आपने टीयर गैस मारने बोला था तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे। ये सब चल रहा है। और मिस यूज ऑफ वाटर क्या होता है, मिस यूज वेस्ट होता है। पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था, एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता। आई एम अंडर ट्रेनिंग। See this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bana, right? Agree? Uneducated Muslim don't know bomb kaise bane. Cause it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it, okay? Told you, na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, uske kuch din ke baad, wo book mere dad ko mila. Bana raha hai. And now I don't know how to explain this shit. Because उस पे सब्जेक्ट में मैंने लिखा था हाउ टू मेक बॉम्ब। डैड ने कॉल करके घर पे बोला मेरा गांड फट गया। लाइक जैसे ही मैं घर पे गया बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बुक मेरे मुंह पे फेंक के मारा। इज लाइक कौन सिखा रहा है बकवास तुझे, इसमें मेन आइटम मिसिंग है। दैट मेन आइटम वॉज पॉलिटिकल सपोर्ट। खत्म यार, जल्दी हो जाता है भाई। If you don't find it, it's a joke. If you don't find it, then save it. That's good. यार बहुत अच्छा था। इसके एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता यार, 15 मिनट 12 मिनट के एपिसोड्स। मज़ा आता है इसको सुनने में। और यार ये खैर, इसको जो है जितने भी इसके साथ कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह हुई हैं, बोलता भी तो इतना खुल के भाई सारी चीज़ें, लेकिन झूठ भी नहीं है इसके अंदर, मेन चीज़ तो ये। अच्छा, मुझे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने कमेंट में बताया था कि ये वाला जो स्टैंड अप है इसके पीछे जो है आई थिंक कोई एम्बुलेंस वगैरह के जो है ये शो के पैसों से वो किया था, एम्बुलेंस के पैसे दिए गए थे और ये वो काफ़ी। तो अगर जैसे ये हिम्मत की बात है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हुई है फादर की, और फिर उस पर जो है आपने जो ये शो किया है और इसके पैसे जो है वो वहाँ पे दिए हैं और लोगों हंसा भी रहे हो, तो बड़ी बात है यार, हिम्मत का काम है ये, मतलब खड़ा होना बड़ी बात है उस वक्त तो इस तरह, और बंदा हंसा रहा है लोगों को, तो भाई बेहतरीन बंदा है। और बड़ा मज़ा आया, काफ़ी अरसे से था कि जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया के दोनों पार्ट्स पे करेंगे, तो आज वो हो गया। अब जो भी इसका स्टैंड अप वगैरह है आप बताइएगा मुझे, तो उस पर भी रिएक्शन करेंगे और ज़रा जल्दी करेंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिए यार, ये मुंह पे चढ़ता आसानी से नहीं है। तो चलें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।